हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोग को एक और नए ब्लॉग पे। अभी अभी हम लोग सुबह सुबह उठ के फ्रेश अप भी हो गया और मैं ऐसे चूल को बांधे। आप लोग को अच्छा लगा है कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मेरा आज को जाने नहीं होगा, अभी कल को होगा। आज को संडे है ना, कल को मंडे है। संडे को टीचर लोग नहीं रहते, इसलिए क्योंकि तुम्हें जो है नया नया क्लास टू का बुक्स वगैरह भी लेना है ना। हाँ। और उसका पैसा वगैरह भी थोड़ा सा हिसाब करने पड़ेगा, इसलिए जो है सारे स्टाफ आना पड़ेगा। हाँ। मंडे का दिन भी स्कूल भी रहेगा और आराम से सारे स्टाफ से भी मिल पाएंगे। हाँ। अभी ब्रश करेगा देखो मामी, और कपड़ा भी धोएगा ये अलग बकेट में ना। फ्रेश पानी देखो, एकदम फ्रेश। हाँ देखो मजा पानी है। मामा उठा है क्या? वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है तो दूसरा जगह पे गया है वीडियो अपलोड करने के लिए। अच्छा, तो मेरा दोस्त लोग आया, आस पड़ोस में दोस्त नहीं है ना, इसलिए हम मेरे साथ खेलने आए हैं। मेरे पास झूला नहीं है, अभी कैसे खेलेगा पता नहीं। जो भी रहते वो से खेलेगा ऊपर में खिलौना से। कल को जो सब्सक्राइबर आया था ना, वो लोग हमको बिस्किट ला दिया था, दो पैकेट पॉपकॉर्न। हाँ, मेरे दोस्त लोग को देखे, हम लोग दोस्त लोग का साथ मिल के खाएगा ना, मिल बात के ना मम्मी। हाँ, आप लोग काम करो। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे में है। अभी फ्रेश अप होके भी आ चुकी हूँ दोस्तों। दीदी जो है ब्रेकफास्ट बना रही है और जितने भी गंदे कपड़े थे वहाँ पर धूप में दे दिया है सूखने के लिए। और आज अच्छा अच्छा धूप दे रहा है तो गर्मी तो ज्यादा होने वाला है। अभी मम्मी भी अपना काम कंप्लीट कर दिया, नहा रही है। जैसे मम्मी पूरा काम को कंप्लीट किया, लाइट आ चुका है, पूरा वोल्टेज एकदम बहुत बढ़िया से आया है। कल दिन भर लाइट पूरा एकदम डिस्टर्ब दे रहा था, बहुत मुश्किल से जो है हमने रात काटा है। बाप रे, बहुत गर्मी है ना इसके कारण। और ये भी पतलू भी आ चुका है, इसका वीडियो अपलोड हो गया ना, वीडियो अपलोड हो गया। तो बस ब्रेकफास्ट बनने के बाद जो है हम लोग खाएंगे, फिर मजे से रेस्ट करेंगे। बहुत ही गर्मी लग रही है मुझे, तो ज़्यादा गर्मी में नहा नहीं पाऊंगी, शाम को नहाऊंगी। ब्रेकफास्ट भी निकाल दिया है तो यहाँ पे हम सभी जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो खाना खाने के बाद जो है मुझे जाना पड़ेगा भैया के घर, वहाँ पर जो है कुछ वो सेलिंग वाला आदमी आया है। तो क्या क्या बोलता है, मैट्रेस ना। हाँ, मैट्रेस जो है बिक्री कर रहा है, तो भैया ने जो है एक तो ले लिया। अभी हम लोग को भी एक तो चाहिए होगा, तो पसंद आएगा तो ले लेंगे, पसंद नहीं आया तो नहीं लेंगे। तो चलो अभी सबसे पहले खाना खा लेते हैं। देखो हम लोग खाना खाते खाते, और यहाँ पे देखो एक तो बच्चा है, देखो हम लोग का घर में लक्ष्मी, देखो लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी, हाँ छोटा था ना मेरा ब्लॉग में, जो हम लोग खाना देने के लिए गए थे भाभी को। हाँ। वही भाभी जो है देखो अपना गुड़िया के साथ आई है। हाँ, देखो वो देख रहे थे आँख बड़ा बड़ा करके, देख रहे इतना बड़ा बड़ा आँख करके, हम तो देखने भी नहीं सकते। हमने जो है जैसे खाना खा लिया तो भैया जो है डायरेक्ट अपने घर पे आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। लीजिए दीदी। हाँ हाँ भैया, 2500 का है, 1500 का है, रख लीजिए। हाँ भैया। बहुत दूर से आया है मेहनत करके। ठीक है भैया, सबसे पहले देख लेते हैं अच्छा है कि नहीं है। भैया जो है यहाँ पे दिखा रहा है, ये देख सकते हो नरम। चलिए एक बिछाइए तो भैया, देखो बिछाइए। इसमें बस दो लोगों के लिए, गरम होगा तो इसमें बस दो लोगों के लिए। अभी जो है मैंने यहाँ पे एक तो सिलेक्ट करके ले लिया है और एक तो छोटा वाला है, ये भी हमारे लिए बहुत छोटा है। फिर भी भैया इतना दूर से मेहनत करके लेके आया, बाप रे, मजबूरन जो है लेना पड़ा है। मुझे तो पसंद नहीं है, तो लम्बू को भी पसंद नहीं था, तो अभी जो है 2000 में रख लिया है। पहले पहले मैं बोल रहा था कि 2500, उससे भी ज़्यादा बोला है। तो हम लोग का बड़ा भैया जो है एक तो रख लिया है और अभी मैंने एक तो रख लिया है 2000 में। पता नहीं 2000 भी ज़्यादा हो गया मेरा हिसाब से। अभी मम्मी को भी पसंद नहीं है ना, मम्मी पूरा गर्मी है ना ऐसा वाला। हाँ देखो ना,
कोई बात नहीं, अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे तो मेहमानों के लिए भी रख देंगे। ऐसे पहले ट्राई करना पड़ेगा हम लोग का रूम का साइड में, वहाँ पे देखते हैं। गर्मी तो ज्यादा होने वाला है, ऐसा मैट्रेस मुझे उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि जब ऊन का मिलता है ना वो वाला अच्छा होता है। जब हम लोग तिनसुकिया गए थे इमरान भैया का घर पे, वहाँ पे इतना बढ़िया था, पूरा सुकून सा नींद आया था। ये वाला तो थोड़ा सस्ता वाला है, इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा होती है। हाँ फिसल जाता है, हाँ फिसल, और थोड़ा सा पुराना होने से इतना वो खराब होता है ना, पूरा बोट जैसा होता है एकदम, उसमें जो है क्या क्या होते रहता है बीच में, क्योंकि इसमें उतना क्या ही बोलेगा। पूरा चल चल के देख रही हूँ मैं, ये देखो थोड़ा सा पुराना होने से जो है इसमें एकदम अजीब सा हो जाएगा, और मुझे उतना खास पसंद नहीं है। थोड़ा सा महंगा वाला भी हो पर कंफर्टेबल उसमें होना चाहिए, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है तो मजबूरन रखना पड़ा, क्या ही करूं, अभी 2000 तो खत्म। अगर हमारे लिए सबसे पहले हमारे लिए वो ट्राई करेंगे, ज़्यादा छोटा पड़ जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि बेबी आने के बाद जो है जगह बहुत बड़ा चाहिए होगा ना, इसलिए जो है तकलीफ होगा अगर छोटा पड़ जाएगा तो मुझे चाहिए था एकदम बड़ा वाला। ये भैया बोल रहा था कि किंग साइज़ है, ये किंग साइज नहीं है, ये 4 इंच ना 6 इंच क्या कहता है पता नहीं, ऐसे थोड़ा सा छोटा है, और थोड़ा ऐसा साइज में जो है थोड़ा और बड़ा वाला मिलता है किंग साइज़ वाला, वो तो बहुत बड़ा, तो वो होने से ठीक होना था। अभी क्या ही करें, रख लिया, सबसे पहले अपना रूम पे लेके जाऊंगी, ट्राई करूंगी, ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो मैं मेहमानों के लिए रख दूंगी। ये यहाँ जो है मैंने मैट्रेस को भी ला दिया है, ये देखिए दोस्तों पूरा प्लोटिंग वगैरह जो है मैंने खोल दिया है, तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ ये हमारे लिए जो है जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो अभी जो है ये वाला मैट्रेस लेके मैंने गलती कर दिया, क्योंकि हमारे लिए छोटा हो जाएगा तो इसे जो है हम मेहमानों के लिए रख देंगे, हमारे लिए जो है एकदम बड़ा वाला लेना पड़ेगा। यहाँ जितना स्पेस खाली देख रहे हो ना, पूरा इसमें से ऐसे करके वो ऐसा साइज का लेना पड़ेगा उधर से लेके इधर तक, क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ हम तीनों रहेंगे तो जुड़ेगा नहीं जगह, जो बेबी को जो है बीच में या उस साइड में रखना पड़ेगा, तो नहीं तो तकलीफ होगा ना, और ऐसे गर्मी में ना ऐसे मैट्रेस में रह नहीं पाएंगे। अभी मैं टेस्टिंग कर रही हूँ कि अपना यहाँ पे जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, तो अभी बेड का तो जगह नहीं है तो देखते हैं। और एक तो दामी वाला मैट्रेस लेना पड़ेगा, ये तो सस्ता वाला है एकदम लो क्वालिटी वाला, तो उतना कम्फर्टेबल नहीं है ये वाला, पूरा हल्का है देखने से, ऐसे इसमें बस अंदर अंदर पे वो देता है ना जो मछली बिक्री करता है ना वो डिब्बा होता है, वो ठीक ऐसे ही दिया होगा जैसा लग रहा है मुझे, एकदम खचिंग खचिंग क्या है, तो बस हो जाएगा, रख तो लिया है, क्या ही करेंगे अभी 2000 में। कोई कोई तो 3000 ऐसे 3500 में भी रखा है, तो आज मैंने 2000 में रखा है, पता नहीं मेरे हिसाब से जो है लॉस्ट हो गया, क्योंकि इतना वो नहीं है ना, कंफर्टेबल नहीं है, इसमें पूरा गर्मी ज़्यादा होती है, तो अभी के लिए तो सकेंगे मैं और लम्बू, तो फिर भी बेबी आने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसे जो है वहाँ रखेंगे गेस्ट रूम पे रखना पड़ेगा, तो बस हो जाएगा, अभी ट्राई तो कर लिया है। अभी मेरा बिस्तर में पूरा ये देखो फैला के रखी हुई यहाँ बाहर पे, हम लोग जो है इसे कहते हैं तोजोक, इसको बिछा के रह लेते हैं, ये वाला बहुत ही बड़ा है, इसको मैं अकेले उठा नहीं सकती, वो पूरा भारी है, जैसे तैसे करके उसको मैं अपना यहाँ पे ठीक कर देती हूँ। ये वाला बहुत बड़ा साइज है, ये एकदम हैंडमेड है, जो पिछले साल में यूट्यूब के पैसों से जो है मैं और मम्मी ने जो है सिला के रखे थे, पूरा हैंडमेड है, तकिया वगैरह भी मैंने रखा था, तो ये वाला बहुत लास्टिंग होती है। अभी के लिए तो इसी से काम चल रही है, पता नहीं आजकल मॉडर्न जमाना है, मैट्रेस का ऊपर में सोने के लिए मन करता है। फिर भी एक दिन तो लेना पड़ेगा थोड़ा महंगा वाला, उसमें जो सुकून सा नींद आ जाए। बस कोई किसी किसी का बहुत अच्छा अच्छा होता है ना, तो जब हम लोग इमरान भैया का घर पे गए थे वहाँ पे इतना बढ़िया से सोया है, पूरा मजा सुकून सा नींद आया था, महंगा वालों में होता है, ऐसे सस्ता वालों में कहाँ हो पाएगा। तो अभी मेरा बिस्तर को ठीक कर देती हूँ, और पसीना देख सकते हो पूरा कितना पसीना निकल आ रही है, गर्मी के कारण जो है दोस्तों हालत खराब हो चुका है। थोड़ा देर पहले में बारिश के बूंदे गिरा, अभी फिर से देख सकते हो इतना कड़कती धूप निकल आ चुका है, और इतनी तेज धूप में मम्मी बाप पूरा काम करती रहती है। यहाँ पर जो है हम लोग का
चूल्हा कल दिखाई थी थोड़ा सा टूट गया था साइड साइड में, अभी पूरा एकदम चकाचक कर दिया, रिपेयरिंग कर दिया। और इसमें जो है हर टाइम आग जला के रखते हैं हम लोग, क्योंकि एक हम लोग का नियम होती है आग रहने से घर में जो है ऐसे सुकून लगती है, तो वो थोड़ा सा ना नियम को फॉलो करना पड़ता है। तो मम्मी को जो है इतनी गर्मी में नींबू पानी पीने मन हो रही है बोले, तो घर पे तो नींबू नहीं है, खत्म हो गया, अभी बगीचे में ढूंढने के लिए गई है, पता नहीं मिल रहा है कि नहीं मिला, अगर मिलेगा तो नींबू पानी पी के जो है थोड़ा सा आराम लगेगा। और लेम्बू भी गया है वहाँ पर कुछ कुछ फ्रूट वगैरह ढूंढने के लिए, ऐसे गर्मी में कुछ ना कुछ खाने मन होता है। तो अभी मैं क्या ही करूँ, अकेली हूँ घर पे, मंजिता और दीदी पता नहीं कहाँ गए हैं, हम तो अपने रूम पे दोपहर को रेस्ट कर रहे थे, उस टाइम पे इतनी गर्मी लगा, थोड़ा देर पहले में बारिश आया, कपड़े वगैरह को पे इतना हड़बड़ में लेके आ चुकी ना मैं, तो अभी पानी वगैरह को जो है उठा के रख देती हूँ। एक्चुअली मैं नहीं उठाऊंगी, वहाँ पे रखूंगी भर भर के, क्योंकि लाइट कब को चला जाएगा पता नहीं होगा, लाइट जब तक है तब तक मैं थोड़ा घर की काम कर लेती हूँ। पानी वगैरह तो मैंने भर भर के रखा है, तो अभी जो है यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स का पौधे है, इसमें जो है पानी दे देती हूँ। ये गमले जो है बहुत ही पुराना हो गया, इसको फिर से नया गमले पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। मम्मी जो है अभी तक आई नहीं, तो मैं इंतजार कर रही हूँ। लम्बू जो है वो अभी जितने भी फ्रूट्स वगैरह मिला है बोला, तो वो सब जो है कच्चा है, उसको जो है घर में रख के वो पकाना पड़ेगा। तो अभी के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं है, मुझे कुछ कुछ खाने मन हो रही है, तो मैं अभी यहाँ से जो है कच्चे कच्चे केले बॉयल करूँगी, कच्चे केले से जो है फिर मैं पकौड़ा बनाऊँगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं लेके आ चुकी हूँ केले, तो अभी इसको जो है मैं सबसे पहले बॉयल करूँगी। इसको साइड साइड में इसे काट के बस 5-2 दे दूंगी, 5-2 से हो जाएगा। इसको रख लेती हूँ, अभी इसको जो है बॉईल करना पड़ेगा। केले के साथ जो है आलू भी बॉईल करूंगी इसको एक ही साथ में। कुकर को जो है मैंने दे दिया है चूल्हे पर, अभी मैं खेत से जो है धनिया पत्ता लेके आती हूँ, धनिया पत्ता भी ऐड कर दूंगी। घर में है हम लोग का धनिया पत्ता, ये देखो अलग वाला नहीं है, ये हम लोग का लोकल धनिया है, हम लोग कहते हैं बेलेदी बागोर। धनिया पत्ता जो है मैंने लाके भी वॉश कर दिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे प्याज 3 टू और लहसुन और ग्रीन चिल्ली, इसको जो है मैं पूरा ग्राइंड करूंगी एक ही साथ में, सबसे पहले रेडी कर दीजिए। प्याज कटिंग करते करते दोस्तों पूरा आंखों से आंसू आ रही है, इतनी तगड़ा है ना प्याज जो, वाह। और मंजिता और दीदी भी आ चुके हैं, प्याज लाए देखो आपके। कहाँ किया हम लोग? वो वाला पड़ोसी का घर में किया है, प्लम का चटनी खाने के लिए, और आपके लिए भी ला दिया। और हम कल को हॉस्पिटल में लेकर जाएगा, थोड़ा सा रख देना। पर क्यों प्याज कटिंग कर रहे? पकौड़ा बनाएगा। पकौड़ा? अच्छा, हमको तो आपको चटनी खाया। हमको तो आपको देख के देखो पूरा आंसू आ रही है। तो यहाँ जो है रेडी कर दिया है लहसुन मिर्च और धनिया पत्ता, प्याज दे दिया है ये देखिए। तो इसको जो है ग्राइंड करना पड़ेगा, प्याज जो है पूरा नहीं दिया, एक तो रख दिया और लहसुन भी रख दिया, इसमें जो है बस मेरा हिसाब से दे दिया है थोड़ा सा, तो अभी इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। यहाँ जो है चटनी भी बना दिया है, इसको जो है मैं यहाँ पर जो आलू और जो केले बॉईल कर रही हूँ ना, उसी के साथ जो है मैं ऐड करूँगी। तो देखती हूँ, ट्राई करती हूँ अच्छा होता है कि नहीं होता है,
फर्स्ट टाइम अपना दिमाग यूज कर रही हूँ मैं, ऐसे पकौड़ा बना रही हूँ अपना दिमाग से। चलो ये भी हो गया, अब इसको जो है बाहर पे लेके जाती हूँ, छील लेती हूँ। ये देखिए बॉयल भी हो चुका है, पूरा नरम हो गया। अभी इसको जो है मैं अपना दिमाग से कर लेती हूँ। ओ माँ गरम, ओ माँ आलू को भी इसका यहाँ पे ऐड कर दूंगी। अभी देखते हो टेस्टी होता है कि नहीं होता है। कभी कभार अपना दिमाग भी यूज करना चाहिए। इसमें जो है राइस फ्लोर है, ये देखो लोकल वाला, और यहाँ पे मैंने छील भी दिया है, आपको तो ऑलरेडी वॉश किया। अभी इसको जो है थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेती हूँ, फिर बाद में जो है यहाँ से राइस फ्लोर देके फिर से इसको भी ऐड करूँगी। पूरा गर्म है रे, हाथ जलेगा। चम्मच से करना था, इससे करना पड़ेगा। देखो ना नहीं हो रहा है, पिसला होता है ना पूरा, स्लिपरी हो गया। जो है मैंने मिक्स भी कर दिया है, तो अभी यहाँ से जो है चटनी थोड़ा दे देती हूँ। ज़्यादा नहीं रे, तीखा हो जाएगा ना। हाँ थोड़ा दे दूंगी, क्योंकि पकौड़ा होने के बाद यहाँ से थोड़ा लगा लगा के भी खा सकेंगे हम। अच्छा, इसमें नमक तो मिक्स नहीं किया ना इसमें नहीं। और अभी यहाँ से जो है राइस फ्लोर, और थोड़ा नमक इधर से, इसको ऐड करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है थोड़ा सा हल्दी दिया था कलर आने के लिए, तो बस हो जाएगा। अब इसको जो है गोल गोल करके मैं डायरेक्ट तेल पर पकाऊंगी। और ये चटनी को जो है थोड़ा रख दिया है, इसको जो है हम लोग वो जो पकौड़ा होने के बाद जो है लगा लगा के खा पाएंगे। तेल भी दे दिया है कढ़ाई पे, अभी गर्म हो गया, तो इसको जो है मैं छोटा छोटा करके तेल का वहाँ पे दे देती हूँ, गोल गोल। इतना करने से हो जाएगा, चिपटा करके देखो, चिपटा ऐसे ना। आई थिंक बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, थोड़ा कम कर लेती हूँ, ठीक है ना। हाँ वाओ वाओ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने बोरा फीदी की तरह जो है दे दिया है। और कलर देखो, हम लोग के पास जो है रिफाइंड ऑयल नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा बिस्कुट जो है सॉफ्ट होना था, तो ये मस्टर्ड ऑयल से जो है हम लोग काम चला रहे हैं, फिर भी बहुत बढ़िया हुआ है। ये देखो वाला है ना, हाँ, तेल भी फिर भी बहुत बढ़िया हुआ है, ज़्यादा तेल खींचता है तो अंदर में तेल बहुत रहता है। और इसे देखो नहा के आ चुकी है, और मेरे लिए प्लम लाई है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने से खट्टा खाने मन होती है ना। देखो हॉस्टल में लेके जाओ थोड़ा, और मेरे लिए थोड़ा रखूंगी मैं, ब्लैक सॉल्ट के साथ मजे से खाएंगे ना। ब्लैक सॉल्ट का साथ खाओ मंजिता, टेस्टी होगा ब्लैक सॉल्ट के साथ। अभी इसको भी देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। यहाँ जो है निकाल दिया है, ये देखो ये वाला जो है चपटा चपटा करके, और अभी जो है दे दिया है एकदम लड्डू की तरह गोल गोल करके। तो मम्मी भी आ चुकी है, नींबू लाई है, वहाँ पे है नींबू, एकदम फ्रिज का पानी निकाल दिया है मम्मी ने, तो अभी जो है नींबू पानी पियेंगे ना हम सभी। और पकौड़ा भी एक तो टेस्ट किया था मैं और मम्मी ने, बहुत टेस्टी हुआ है, बहुत टेस्टी हुआ। नींबू जो है थोड़ा छोटा है, अभी तक अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ है ना। ये खरीद के लाई थी ओ बड़ी मम्मी का घर से, 50 रुपया का लाया है, इतना महंगा हो गया। हम लोग का पूरा मर गया ना, अभी बगीचे में नहीं है। हाँ। पहले हम भी बिक्री करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा था, अभी लगाना पड़ेगा, क्योंकि नींबू जो है जब भी खाओ इसका अच्छा होता है बॉडी के लिए। नींबू पानी उतना नहीं निकलता है, यहाँ पे देखो पूरा इतना अच्छा हुआ है ना।
ये देखिए दोस्तों, रेडी हो चुका है हम लोग का पकौड़ा। दीदी ने टेस्ट किया, कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी था। और एक खाने वाला था, इसने मना किया कि थंबनेल खींचना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा कम है ना, थंबनेल में थोड़ा ज्यादा दिखने से अच्छा लगता है। तो कोई बात नहीं, अभी खाएंगे। ये देखो, अभी ये वाला हो जाएगा। पकौड़ा भी रेडी हो चुका है, अभी हम सभी जो है खाएंगे। हम लोग का छोटा सा परिवार, ये देखो सबका शक्ल जो है एकदम लाल लाल हो चुका है गर्मी के कारण। तो अभी मम्मी जो है नींबू पानी भी बना दिया, अभी पकौड़ा। मंजिता टेस्टिंग करो, बढ़िया हुआ है कि नहीं हुआ है, रिव्यू दे दो। गर्म लग गया थोड़ा, ठंडा वाला। हाँ, रिव्यू दे दो। मैं और मम्मी ने तो पहले से हमने कैमरे के पीछे में खा दिया। बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी जिसको भी ट्राई करना है जरूर से ट्राई कीजिए। टेस्टी है, खाओ खाओ, चटनी के साथ खाओ। अभी नींबू पानी भी पियेंगे। आज तो सब कुछ एकदम बढ़िया हुआ है, तो मम्मी ने मुझे एकदम ठंडा ठंडा नींबू पानी भी दे दिया है। तो अभी इसको भी पी लेंगी, इसको भी पी लूंगी और इसे भी खाऊंगी। तो आज तो हम लोग का एक तो चकमा डायलॉग हो गया, ही हेम सेलर बाप। उसका हिंदी में कैसे बोलेगा? ही हेम सेलर बाप को जस्ट लाइक बिजू। चलो बिजू आरो। तभी कभार ना मेरा ब्लॉग में हम चकमा बसा भी बोल देता है। मुंजिता हिंजन फोर। इसको हम बोला है कैसा लग रहा है हिंजन आऊंग दो, बोला वो बोला कि हम ठीक है, हम ठीक है, हम भी कैसा है। उसको अच्छा से चकमा लैंग्वेज आता ही नहीं है समझ में। पता नहीं ये किसका बेटी है, ये दिल्ली से आई है। बहुत ही अच्छा हुआ है ये नींबू पानी भी इतना ठंडा ठंडा। हमने जो है पकौड़ा वगैरह भी खा लिया है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी था। ऐसे पता नहीं क्या क्या दिमाग में आते रहता है, तो मैंने आज बना लिया है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा, सच बात है। तो आप लोग भी जरूर से ट्राई कीजिए। तो कल लम्बो का ब्लॉग में जो है किसी ने जो है वो कमेंट कर देता है बहुत खराब से, वैसे बहुत दिनों से खराब कमेंट आ रही है। हम लोग का बेबी जो है अभी तक आया नहीं, सभी आशीर्वाद के जगह में जो है कोई बहुत ही खराब कमेंट देता है, पूरा बद्दुआ जैसा ऐसे देता है ना, इतना खराब लगता है, तो बुरा भी लगता है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम होने से मेरा वीडियो मत ही देखो, डायरेक्ट मुझे जो है अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो कोई इरिटेट होता है कि हम लोग जो है हर वीडियो में बेबी 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 बोलते रहता है, बोलूंगी भी नहीं। तो इसलिए आप लोग मेरा प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो है खराब मत पाइए। कोई बहुत खराब से कमेंट कर देता है तो दुख लगता है, आशीर्वाद का जगह में ऐसे थोड़ी ना लिख देता है। दुनिया में अच्छा इंसान भी है, बुरे इंसान भी है, तो बस जो भी मुझसे प्यार करता है तो आप लोग मेरा दुख और दर्द को समझ सकते होंगे। तो आप लोग जो है प्यार बनाकर रखना है, और क्या ही बोल सकते हैं। हम लोग तो डेली ब्लॉगर है, क्योंकि डेली लाइफ में जो भी चलती है वो सब जो है दिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो किसी को जो है हमारे ब्लॉग ही पसंद नहीं है। तो अगर मेरा जितना भी प्यारे प्यारे व्यूअर्स है, आप लोग तो हर टाइम मुझे सपोर्ट करते आ रहे हो, तो अगर जो भी मुझे सपोर्ट नहीं करता है मेरा वीडियो देखना ही बंद कर दो, तुम लोग जो है डायरेक्ट अनसब्सक्राइब भी कर दो। तो अभी वीडियो जो है यहीं तक एंड करते हैं, बस ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है ये बातों को। तो आप सभी जो है मुझे प्यार करते हो, बस प्यार बनाकर रखना। इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।